हेलो। हाँ बताएं हाँ बताइए। नमस्कार अवस्थी जी, नमस्कार मीडिया का नमस्कार करते हैं, स्वागत है कॉलेज में। जी जी जी, आप दोनों लोग जुड़ गए हैं प्रजापति मीडिया के थ्रू कॉन्फ्रेंस वाले में। जी जी, तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन और आग्रह है कि आप लोग प्रजापति मीडिया जब आपको समय देगी तभी आप लोग सवाल करिएगा, ये ना कि आप लोग आवेश में आके एक दूसरे से बात करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं तो प्रजापति मीडिया अपना फोन कट कर देगी और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग बंद कर देगी। जी जी जी। और जी, आपके पास कितना सवाल है बस्ती जी? मेरा सवाल सबसे पहला यही है। नहीं नहीं, अभी सवाल नहीं करना है, आपके पास नियर अबाउट कितना सवाल होगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग बड़ी होगी तो दिक्कत होगी ना, तो नियर अबाउट कितना क्वेश्चन होगा? बस 3 से 4 क्वेश्चन। चार क्वेश्चन। अजय जी, आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है? नहीं, मेरे पास जवाब है, क्वेश्चन नहीं है। जी जी, ठीक है, आप भी इनके पास अगर चलिए आवश्यकता पड़ा तो कर दिया जाएगा, लेकिन जवाब देंगे। बताइए, प्रजापति मीडिया भी आप दोनों लोगों से कुछ सवाल करेगी, उसका भी जवाब आप लोगों को रखना होगा। जी बिल्कुल। जी, जैसे कि अब तो अवस्थी जी से प्रजापति, हेलो जी, अवस्थी जी आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? हमारी टीम में 10 मेंबर हैं, और जो भी समिति से जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है, वो जुड़ सकता है। आपसे प्रजापति मीडिया 5 लोगों का मुख्य नाम जानना चाहती है, जो आपके मुख्य समिति अध्यक्ष या जो भी लोग हैं। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 10 लोगों की संघर्ष समिति है वो सभी मुख्य हैं। जी, 10 मुख्य लोगों का एक बार नाम आप बता दीजिए। सबसे पहले आ जाइए माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी, जी प्रीतम पासवान जी, पंकज मिश्रा, आकाश सिंह, ठीक, गोविंद यादव जी, मैं खुद हो गया जी, महेश कुमार गुप्ता जी, इसके बाद लवलेश पांडे जी, इसके बाद हो गए ज्ञानेंद्र शुक्ला। धन्यवाद। 9 हो गए जी। जी, जी, धन्यवाद। और अंतिम नाम आपको बताना चाहेंगे, हमारे आदरणीय वीर बहादुर जी जो है लीड कर रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं अजय प्रकाश मिश्रा जी से, जो भी क्वेश्चन आपका है, जो हमने कल आपसे कहा था कि कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करा के करा देंगे, ग्रुप में मैंने बताया था आपको। मेरा तो आप अपना पहला क्वेश्चन कर लीजिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारी व्यक्तिगत, मेरा 26/13 में था, हमारी याचिका क्यों नहीं करवाई गई, ऐसा क्या कारण था? अजय मिश्रा जी से ये सवाल है, अजय मिश्रा जी इसका आंसर दें। पहली बात तो इनका 26/13 में था ही नहीं, 1366 के छठे हुए अभ्यर्थी हैं, जो इनका रीट संख्या 25/03 है, ये झूठ बोलते हैं। दूसरी चीज है, चलिए चलिए मैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा 26/13 का। दूसरी चीज है जो पहला याचिका पड़ा था, क्योंकि वो विपुल मलिक छोड़ दिए थे, ठीक है, जो सूचना मिला था कि विपुल मलिक भी छोड़ने वाले हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। जी जी। और हमने सोचा कि डबल बेंच में कोई नुकसान ना हो, हमारी टीम में पहले आकाश जी थे और पंकज भाई थे और हम थे, हम लोग रणनीतिक तौर तो बहुत जल्दी कार्य किया और उसका याचिका डलवा के बाकी और लड़कों को रिस्पोंडेंट करके शिवान सिंह को, एक अपोजिट जिसे कहते हैं, तो मैंने सेव कर लिया, नुकसान ना हो, ऐसा ना हो कि सिंगल बेंच में किसी को नुकसान हो जाए कि हमें मजबूरन यहाँ से डिसमिस हो जाए केस हमारा और हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। इसलिए हर हाल में हम रीट एक्सेप्ट कराना चाहते थे और जो मैंने चाहा, कोशिश किया, संघर्ष किया, उसमें सफल भी रहे, रीट एक्सेप्ट हुआ और एक बेहतरीन आर्गुमेंट हुआ, परिणाम आना अभी बाकी है। अजय प्रकाश मिश्रा जी, आपने रीट संख्या जो बताया है क्या एक बार बता दीजिए? हेलो जी, रीट संख्या बताइए अजय जी, रीट संख्या किसका? रीट संख्या अभी आप बताएं कि रीट संख्या कुछ था इनका, जैसे ये 1366 से मैं दोनों रीट संख्या में अभी ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। इन्होंने झूठ बोल दिया, 26/13 में नहीं है। इस तरह कॉन्फ्रेंस कॉलिंग इनको बता दीजिए, मर्यादा से बात करने को। सुनिए, मैं अपने माँ बाप की कसम खा के बोल रहा हूँ,
अवस्थी जी आप चुप रहेंगे जी। आप देखिए इस तरह काम नहीं हो पाएगा अवस्थी जी, एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर से करिए, मीडिया आपका सहायता कर रही है ना, तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं जी? आप अपना क्वेश्चन, आपको सटीक सवाल का आंसर नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे। मेरा रीड नंबर क्या था, 26813 था, क्या था फिर से आप जवाब दीजिए, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक मिनट प्रजापति जी बताइए बात है जी। अब इनका क्या था, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं हमको नहीं पता है। 26813 में लगभग 217 जी अभ्यर्थियों का नाम था जी, एक और पांच नंबर में 26813 मेरा नाम था, उसके नीचे पंकज मिश्रा। अवस्थी जी आपको दिया जाएगा अनमोल। अवस्थी जी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर, देखिए अगर आप लोग ये जो भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में समझाने के लिए इनको सामने बात करना, आपको उनसे नहीं करना है ना, आपको हमसे बताना है, तो आप हमें ना बताओ। ये मर्यादा में जब भी बात होगा तो सामने बात होगा। अवस्थी जी आप चुप रहिए, देखिए ये गलत है, आपने बोला था ना कि मैं मर्यादा नहीं, देखिए मेरे पास स्क्रीन शॉट है अवस्थी जी, मैंने आपसे कहा था कि जो कि आप मर्यादा में रखे, तो मैंने देखिए शुरू में ही आपको कहा है ना कि जो है कि मैं आपको भी समय दूंगा क्वेश्चन करने का, उनको भी समय दूंगा आपके तीन क्वेश्चन, तो फिर जब वो अजय मिश्रा जी बोल रहे हैं तो आप बीच में ना बोलिए ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए फिर। मैंने देखिए आपको दोबारा समय दिया ना कि अवस्थी जी आप अपना क्वेश्चन फिर से कह लीजिए, उसका सटीक आंसर देते हैं या नहीं देते वो तो बच्चों को पता चलेगा कि मैं छिपा करूंगा बोलने दीजिए हम संतुष्ट हैं, बोलने दीजिए दीजिए। और अजय जी लग रहा है कॉन्फ्रेंस कॉलिंग ही खत्म हो गई, आप करिए फोन करिए उनको, अब क्या आप फोन करें बताइए, इसी तरह रहेगा तो क्या आप फोन करें। मैं ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालूंगा। प्रजापति जी ये बताइए आप ठीक जी कि आप इस भर्ती के सदस्य हैं? जी बिल्कुल, हम सदस्य इस भर्ती के सदस्य हैं, तभी इस भर्ती को लेकर इतना परेशान है, नहीं तो आप क्या भारी हैं, आप क्या भारी हैं जो आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अवस्थी जी मैं आपको बता दूं, इनको कॉन्फ्रेंस में जोड़िए मेरे सवालों के जवाब। अवस्थी जी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग जैसे आप पूछे सदस्य हैं, स्टार्टिंग आपको शायद नहीं पता होगा स्टार्टिंग किसने करी थी, हमको ये भी पता है कि इस ग्रुप की स्टार्टिंग किसने करी थी। जी जी आपको शायद नहीं पता होगा, हमें सब पता है, आप कॉन्फ्रेंस करिए। ठीक है मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उनके यहाँ। ऐसे लोगों से लाइन में लेके आपको भी बात करवाना नहीं चाहिए, जवाब दीजिए। मैं क्या मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ? अवस्थी जी आप मीडिया का भी नहीं हो, मैं क्या कर रहे हैं? प्रजापति जी मैं बात नहीं करता, जिनको बात करने का तरीका नहीं है। अजय जी मीडिया से बात कर रहे हैं, आप भी मीडिया से बात करिए, आप डायरेक्ट अजय जी से बात कर रहे हैं, अगर आपको अजय जी से डायरेक्ट बात करना है तो कॉल कर लीजिए। जवाब देना मुझे, अवस्थी जी आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जब आप क्वेश्चन करिए पीने में अवस्थी जी, मैंने आपको कहा ना कि जो सत्य रहेगा उसको पाएगा, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में बोल रहे हैं। पूछिए उन्होंने आपके, ये तो इलीगल है, ये तो इलीगल है। प्रजापति जी आप हमें ये ना बताइए, आप पूछिए क्वेश्चन, हम उसका जवाब दे रहे हैं। जो इनसे पूछ रहा हूँ मैंने उनसे क्वेश्चन बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को ठीक है, लेकिन इस तरह का कॉन्फ्रेंसिंग होगा तो कहाँ आएगा बताइए। आपको मैंने कहा कि आपको भी समय जाएगा, आपने मैंने पहले पूछ लिया कि आपने बताया तीन चार क्वेश्चन, मैंने कहा ठीक है बात को समझते बहुत बोलते हो, मैं अपने समझ नहीं होते हो, क्या बात करता हूँ, बहुत भले हो ना तुम, बहुत भले हो,
था अपने परिवार की कसम, मैं अपने माँ बाप की कसम खा रहा हूं। कट गया भैया उनका फोन, कट गया अवस्थी जी उनका फोन कट गया। फिर मिलाइए, मैं तैयार हूँ। मैं नहीं मिलाऊंगा अवस्थी जी, मैंने आपको मना किया था। आपकी भी पारदर्शिता ला रहा हूँ, हमें नहीं बोलने दे रहे। और सुने अवस्थी जी, आप